देखो हम सड़क पर मातम कर रहे हैं मल्टी सुसाइड की, हम क्या कह रहे हैं, नाच किया करो अपने हिंदुस्तानी होने पर। जहां भी आवाज जा रही तवज्जो कीजिएगा, बोलना जरूर मेरे साथ। ये एक ऐसा मुल्क है कि सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर जबान में। ये एक ऐसा मुल्क है इस सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर जबान में। इतनी जगह कहाँ है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। हमें नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह की कसम दुनिया, आप तो जो कर लो बेटा, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क पे भी सड़क पे बैठ के मातम करने का मजलिस करने का हुक्म नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हिंदुस्तान है, और क्यों ना हिंदुस्तान में हम खुल के मातम करें, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कर्बला के मैदान में चला कहा था, मुझे हिंद चला जाने दो। अरे मौला हुसैन, 1400 साल पहले हिंदुस्तान में कोई मुसलमान था ही नहीं। देखो तुम्हारे सवाल की जवाब, हिंदुस्तान में कोई उस वक्त मुसलमान नहीं था, तब भी आका हुसैन ने कहा था मुझे हिंद जाने दो। तो पूछना मौला, जब कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं था 1400 साल पहले, तब आपने हिंदुस्तान आने को क्यों कहा था? हुसैन जवाब देंगे, हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन इंसान थे। समझो कि ना, इंसान थे, और यहाँ से हुसैनी ब्राह्मण गए इमाम हुसैन की मदद के लिए, बाद में पहुंचे वाकते कर्बला के। अजीजाने मोहतरम, ये हुसैन इब्ने अली किसी एक गिरोह के लिए नहीं है, किसी एक फिरके के लिए नहीं है, किसी एक कबीले के लिए नहीं है, किसी एक कौम के लिए नहीं है। आओ, दर से कुर्बानी आज भी है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने आप देख लो, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नक्शे इल्लाह पर पैरा नविश सदरे उम्माने नजाते मानविश। हे हुसैन, अपनी कुर्बानी से तुमने सहरा में जंगल में जो अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया है, कयामत तक लाखों यजीद पैदा हो जाए उस नक्शे इल्लाह को नहीं मिटा सकते आप। और फिर अपनी फिक्र किया करो, हुसैन किरदार का नाम है। हमारे अमल से मुहर्रम में ऐसा ना जाहिर हो कि हम बद किरदार है, हमारा फेल ऐसा होना चाहिए। हमने कहा ना, ये बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत जिसका नाम है मातम और मजलिस, मगर अपनी माओ को भी याद रखना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वालदैन तुमसे नाराज हो, तुम मजलिस में आए हो। ये पैगाम है बच्चों के लिए। हमने कल रात को चीता कैंप में और यहाँ दोनों जगह पढ़ा था कि एक बात याद रखो, आजकल लोग आके बुजुर्ग लोग बुजुर्ग लोग मुझसे कहते हैं मेरा बेटा नापरवानी कर रहा है, तो हम उससे कहते हैं बच्चों को बता रहे हैं, बाप जो है तुम्हारी लाइफ का शेड है, कवर है, तुम्हारा लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी को तूफानों से बचा रहा है तुम्हारी, उसका नाम है बाप। समझो है ना, बाप उसकी अजमत करना, ये लाइफ का पिलर है, शेड है तुम्हारे ऊपर, साया है तुम्हारे ऊपर। ऐसा ना हो कि साया बैठ जाए, साया गिर जाए, तो उस साये को मजबूती से पकड़ना है। मजलिसे हुसैन में आने के बाद ये दर्द हमें मिलता है। माँ जो बूढ़ी है, आप सब इतने भीगते में खड़े हो, पैगाम लेते जाओ, माँ जो बूढ़ी है उस बूढ़ी माँ के लिए क्या कहे कुरान ने, वह वसैन इंसान अब वाल रही ऐसा ना हमारा तो हूं। याद रखो, अपनी माँ के साथ एहसान करो, क्योंकि उसने रंज के आलम में तुम्हें पैदा किया है, तकलीफ के आलम में जना है।
अगर माँ की मोहब्बत ना होती तो पानी भीगते हुए तो इबादत के लिए खड़े ना होते। हमने कहा नहीं, ना मौसम हमें रोक सकता है ना जमाना रोक सकता है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो कुर्बानी का दरवाजा खोल लिया था, और ऐसे महदूद नहीं की कुर्बानी कि हमारे घर के लिए है, हमारे खानदान के लिए है, बल्कि दरवाजा खुला रखा, आने वाला आ जाए तो हुर बन के चला जाए। तवज्जो नहीं की, आने वाला आ जाए तो हुर बन के चला जाए। हाँ, ये बड़ी कुर्बानी। ऐसे भी आगले फिलहाल तकलीफ वही से शुरू कर देंगे। ऐसे भीगते मौसम में आप आए हो, पानी बरस रहा है, बंबई की ऐसी जगह पर जहाँ निकलना दुश्वार है, माँ हुसैन का जिक्र है, हुसैन का मातम है, प्रोसेशन उठने वाला है, जिक्र हुसैन जारी रहने वाला है। बेशक फातिमा जहरा जरूर आई होगी, मैंने तो अभी आके देखा ना, ये औरतें, ये माँ बहने, ये बेटियां अपनी गोदों में बच्चे लिए बैठी हैं। ऐसे मौसम में बेटा कोई निकलता नहीं है, अपने बच्चों को निकलने नहीं देते आप। लेकिन मालूम है दो मुहर्रम में जुलूस उठ रहा होगा, अब पानी आ या आंधी हमें तो जाना ही है ना। हुसैन का तज़किरा है, जिक्र हुसैन है। बस एक बात हाथ जोड़ के कहता हूं, बंबई वालों याद रखना मेरी बात, 1400 साल पहले इमाम हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया था। मैंने दुनिया में बहुत जगह गया हूं और पूरे हिंदुस्तान में भी, मैंने ये रिवाज बंबई में खास देखा कि अगर एक भी अदादार का घर है तो वो अपने घर के आगे सबील जरूर लगाता है। मेरी बात को फिक्र करना, मैं 5 साल से लगातार आ रहा हूं, सबील घर के दरवाजे पर जरूर रहती है। सबील किस नाम से होती है? क्या से हुसैन के नाम। मैंने पिछले साल कहा था अपनी सबीलों पर लिखवाना, मेरे वालिद साहब का एक शेर है कि सबीले जब तलक जिंदा रहेंगी, सबीले जब तलक जिंदा रहेंगी, अली अजहर से शर्मिंदा रहेंगी। अल्लाह अकबर, इतना पानी हुसैन के नाम पर कि हजारों समंदर बन जाते, इतना पानी पिला दिया गया प्यासे के नाम पर। हुसैन इब्ने अली 6 महीने के बच्चे को लेके आया, आखिरी बात सुनना, 6 माँ बहने गोदियां भरी रहे, 6 महीने के बच्चे को लेके आए। हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो पूरी दुनिया मदद को आ जाती है, पूरा हिंदुस्तान बच्चा बीमार है। हुसैन 6 महीने के बच्चे को लाए और कहा, अहले जफा, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, पानी नहीं है, एक बूंद पानी दे दोगे मेरे बच्चे को, दरिया जो बह रहा है ना उसमें पानी कम नहीं होगा। बस दुनिया इंसानियत आगे बढ़ रही थी, थरथरा रही थी, इंसानियत कांप रही थी कि 6 महीने के बच्चे को भी पानी नहीं दिया जा रहा। पानी ना देते कोई बात नहीं, यजीदी लश्कर के सरदार ने अपने सबसे बड़े तीरंदाज को बुलाया, जिसका एक तीर 10-7 रोहे के तवे तोड़ देता था, कितना बहादुर तीरंदाज। और तीर मारने किसको आया? 6 महीने के बच्चे को तीर मारने। एक बार तीरंदाज ने चिल्लाए, कमान में तीर जोड़ा, हमने तो लिखा एक घुटना हमने पड़ा है, एक घुटना उसने जमीन पर देखा और दूसरे घुटने में पूरी ताकत देके तीर सह शोभा को, जो हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए इस्तेमाल होता था आरंभ में, उस तीर को चिल्लाए कमान में जोड़ा। और फिर जोड़ने के बाद 6 महीने के बच्चे जिंदा रहे, तुम्हारे बच्चे आवाज रहे, कभी देखना जाके, आज ही देखना अपने बच्चों को, 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है। हाय अजमर, तुम लाई हुई होठ, पपड़ाए हुए होठ, और उसके बाद तुम लाई गर्दन, जो 6 महीने का तीर चला तो माँ देख रही थी, माँ देख रही थी। माँ का जो बाबा था ना बहुत बड़ा तीरंदाज था, अजगर के नाना बहुत बड़े तीरंदाज थे, जनाबे रबाब फनाए तीरंदाजी से वाकिफ थी। जैसे तीर को आते हुए देखा, ऐसा महसूस किया जैसे इमाम को लगने वाला है। एक बात आवाज दे के गई, बेटा अजगर, जब तक अकबर जिंदा था इमाम जख्मी नहीं हुआ, और वो मोहम्मद जिंदा थे इमाम जख्मी नहीं हुए, कासिम जिंदा थे इमाम जख्मी नहीं हुए, ऐसा ना हो मेरे बेटे के होते हुए हुसैन जख्मी हो जाए। बेटा असगर, अपने माँ के दूध की लाज रखना। मैं इतना सुना असगर बाप के हाथों में उठे, उमर के तीर लिया, गर्दन पे लगा, आखिरी जुमला हजरत पड़ा, सड़क पे गिर गया हुसैन का, जिंदगी भर याद रखोगे ये जुमला।
इमाम हुसैन को वो तीर एक हिस्सा तीर का इमाम के बाजू में लगा। आखिरी बात है, करबला में हुसैन पहली बार जख्मी हुए हैं, आना कभी पढ़ देंगे, पहली बार इमाम जख्मी हुए, पहला तीर, पहला जख्म आया हुसैन तो आप, वो तीर बड़ा था। एक बार जनाब अली अजबर को देख के वहीं से नवाब ने कहा, बेटा अजबर ये क्या हुआ, देख रहे होते हुए इमाम को जख्म लग गया। अजगर ने हाथ जोड़ के जबाने बेजबानी में कहा, अम्मा तीर बहुत बड़ा था, तीर बहुत बड़ा था, तीर बहुत बड़ा था, लेकिन मेरा कद बड़ा छोटा था, हमने कोशिश की अम्मा। अल्लाह रसूलल्लाह वाला फौज सर सीरा पाक हुसैन जो गम गम शाह शहीदा जो आहे गम शाह शहीदा जो आहे हर गम अज दवा मौला हुसैन जो गम दे हुसैन जो गम दे हुसैन जो गम दे हुसैन जो गम दे में अबीरिया पाहक नबी खातून जिना भी रोए थी मसरूफ अजा बिलते अली मगमूमा सैन सकीना भी शबीर गम में शामिल आ शबीर गम में शामिल आ खुद तुझी रजा मौला हुसैन जो गम दे جو زخمی ہر منظر مقتل شہداء جے خون میں تر سر سے بت نبی زیر خنجر نیزے تے زینب جی چادر دنیا کی کہانی کربل جی دنیا کی کہانی کربل جی رہ یاد صدا مولا حسین جو غم دے مولا حسین جو غم دے حسین جو غم دے مولا حسین جو غم دے جہ گھر تے علم عباس جو آ उन घर रखे ज़ैनब जी यदुआ मजलिस मातम कपड़ा कारा मोमिन जिया पहचान इहा सीनो आ हुसैनी अज़ा खानो सीनो आ हुसैनी अज़ा खानो दिल फर्शे अज़ा मौला हुसैन जो गम दे हुसैन जो गम दे نتی
اکبر جی قربانی ثانی حیدر جی پامال قاسم مزتر جی تھی پیاس روارے اصغر جی فریادا صدقہ آل ابا فریادا صدقہ آل ابا کرم تے عطا مولا Oh, yeah.
बिस्मिल्लाह।